हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। IRCTC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में ढेर सारा चेंजिंग कर दिया है तो मैं आपको नए वेबसाइट से ये दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना टिकट IRCTC से कैंसिल करेंगे और उसका रिफंड कैसे देखेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं। अगर आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन में, अगर आप लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और उसमें आप टाइपिंग करेंगे IRCTC.co.in। देखिए आ चुका है, आपको इस तरीके से लिख के इंटर कर देना है। इंटर करते ही आपके सामने कुछ IRCTC का इस तरीके से इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ से इसको पहले आप ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि IRCTC ने इसका जो लुक ही चेंज कर दिया है, बहुत सारा यहाँ पे चेंजिंग कर दिया है। इसका जो रेगुलर कस्टमर है वो तो देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे पूरा चेंजिंग कर दिया है। अगर आप नए हैं तो आप भी यहाँ पे लाइव देख लीजिए कि यहाँ पे जो पूरी यहाँ पे डैशबोर्ड ही यहाँ का चेंज कर दिया है। तो IRCTC से अपना टिकट कैंसिल करने के लिए पहले यहाँ पे आपको लॉगिन होना होगा। चलिए हम सिंपली यहाँ पे लॉगिन हो लेते हैं। तो अगर आप इस पे अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो मैं इस पे वीडियो बना रखा हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूँगा, जहाँ से जाने के बाद बहुत ही आसानी से आप ये सीख पाएंगे किस तरीके से IRCTC पे अपना एक अकाउंट बनाएंगे यानी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि IRCTC कितना घाटे में चल रही है कि यहाँ पे SBI वगैरह सबका यहाँ पे एड लगा रखा है। सोच सकते हैं कि IRCTC कितने घाटे में चल रही है। अगर आप डायरेक्ट यहीं से अपना जो अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करके भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, या मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, बहुत ही आसानी से ये देख पाइएगा और आप खुद से ही आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड को IRCTC पे क्रिएट कर पाइएगा। चलिए हम पहले से इस पे अकाउंट बना रखे हैं तो यहाँ पर मैं अपना नेम डाल देता हूँ, यूजर नेम। यूजर नेम डालने के बाद यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर पासवर्ड को टाइपिंग कर देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद इसके अंदर आपका कैप्चा होगा, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कि यही कैप्चा है, ये कैप्चा नहीं है, इसके अंदर कैप्चा है। इसको दो बार आपको इस तरीके से रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद ये कैप्चा आ जाएगा। कैप्चा समझ में नहीं आता है तो ये रिफ्रेश करके यहाँ से दूसरा कैप्चा ले आएंगे। कैप्चा को आपको इसमें टाइपिंग कर देना है। कैप्चा स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में ही आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे साइन इन पे ओके कर देना है। ओके करते ही आपके सामने IRCTC का ये पेज ओपन होकर आ जाता है। अब हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि वेलकम इंजीनियर राजा और यहाँ पर मेरा अकाउंट आ चुका है। तो IRCTC से अपना टिकट कैंसिल करने के लिए पहले आप कहाँ आइए, माय अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं माय ट्रांजेक्शन, इस पर आना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि बुक टिकट हिस्ट्री, आपको यहाँ बुक टिकट हिस्ट्री मिल जाता है, फेल ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, टिकट रिफंड हिस्ट्री, टिकट कैंसिलेशन हिस्ट्री, यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर बुक टिकट हिस्ट्री पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका टिकट यहाँ पे बुक है और यहाँ पे देख रहे हैं कि जयनगर और संडे 31 जनवरी का टिकट है और यहाँ पे देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ जा रहा है वो भी शो कर रहा है। सिंपली आप टिकट वाले पे इस तरीके से क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ये पूरा टिकट ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ से अपना टिकट को बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपका एक ऑप्शन मिल जाता है कैंसिल टिकट। कैंसिल टिकट पर क्लिक करेंगे, इसको आप रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद यहाँ से आप ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ पर जो पैसेंजर का PNR नंबर आ जाता है और यहाँ पर ट्रेन नेम आ जाता है और इसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे नेम आ गया, एज आ गया, जेंडर आ गया, यहाँ पर बुकिंग स्टेटस है कन्फर्म है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि करंट स्टेटस भी यहाँ पे कन्फर्म है। तो टिकट को कैंसिल करने के लिए आप राइट इस पर टिक करना है। यहाँ पर टिक करते यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आ जाता है कैंसिल टिकट। आपको इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कैंसिल टिकट पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपका टिकट कैंसिल हो जाता है। तो इस पर कैंसिल टिकट पर करते ही जैसे आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा तो अब आपको यहां से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपका जो रिफंड है कहां पर मिलेगा। तो इसके लिए फिर से आपको यहां पर माय अकाउंट पर आना है। यहां पर माय अकाउंट पर आने के बाद माय ट्रांजेक्शन वाला ऑप्शन है, इसके बाद इस तरीके से यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि टिकट रिफंड हिस्ट्री, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हम जयनगर से यहाँ पर फेल ऑप्शन बता रहा था, तो यहाँ पर मेरा पहले जो है टिकट को मैं यहाँ से कैंसिल किया था वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने टिकट जो बुक किया था वो फेल था,
तो आपका जो रिफंड है इसके नीचे ही शो होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि टिकट रिफंड हिस्ट्री, तो आपका जो भी रिफंड आएगा इसी में आएगा। तो इसके जो भी रिफंड आएगा उसको देखने के लिए आपको जो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा रिफंड का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पर देखिए लिखा रखा है रिफंड अमाउंट, मतलब 367 रुपया 70 पैसा। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से यहाँ पर रिफंडेबल स्टेटस आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टेटस भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है रिफंड स्टेटस, यहाँ पर देख रहे हैं रिफंड। तो इस तरीके से आपका रिफंड जो भी आएगा इसके नीचे आपको शो करेगा। तो इसी तरीके से बहुत ही आसानी से आप चेक कर पाएंगे कि आपका जो टिकट कैंसिल किए हैं उसका रिफंड कहाँ पे आता है। और आप नीचे यहाँ रिमार्क में भी आप रीड कर सकते हैं रिफंड अमाउंट क्रेडिट योर अकाउंट माई भी, मतलब कुछ इस तरीके से आपका जो भी अगर आपको बैंक से वॉलेट से भी या जहाँ से भी आपका कटा होगा आपको वहाँ पर आपका जो रिफंड ये वापस आ जाता है। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हम IRCTC न्यू अकाउंट से अपना टिकट को कैंसिल करेंगे और उसका रिफंड आप कहां पे देखेंगे। तो बहुत ही आसानी से उसका रिफंड भी देख सकते हैं और टिकट भी कैंसिल कर सकते हैं। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लीजिए, यानी आप वीडियोज़ में पर डे अपलोड करते रहता हूँ।